हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जब ये वर्ड हमारे माइंड में आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो जो चीज़ सबसे पहले माइंड पे स्ट्राइक करती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही करंट हमारे माइंड में आता है कि करंट है एक तरीके का, और आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है हर चीज़। आपकी बिजनेस से लेके इंडस्ट्री, घर, हर चीज़, हर डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं वो किस पे ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करता है। अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी को पूरे वर्ल्ड से बंद कर दिया जाए तो सारी चीज़ें एकदम से क्या हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी आपके माइंड में आती है तो जो चीज़ हमारे माइंड में सबसे पहले आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट। कुछ बच्चों को यहाँ पर इनका मीनिंग्स क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं करंट का मीनिंग क्या होता है। करंट का मीनिंग होता है फ्लो। फ्लो कुछ भी हो सकता है, अगर एक नदी है जिसमें पानी बह रहा है तो आप उसको ये बोल सकते हो वाटर फ्लो, तो उसको हम वाटर करंट भी बोलते हैं। हमारे आसपास जो है वो एयर है, चारों तरफ एयर बह रही है, फ्लो हो रही है, तो उसको एयर करंट भी बोल देते हैं। हर वो चीज़ जो फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं करंट। यहाँ पे आपने करंट वर्ड लिखा है तो यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, क्या बह रहा है, उसके सामने एक वर्ड और भी लिखा है आपने, वो क्या है, इलेक्ट्रिक। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मीनिंग है यहाँ से चार्ज से, इलेक्ट्रिक का मीनिंग है यहाँ पर हमारे पास चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज का फ्लो, उसको हमने क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा मीनिंग है इलेक्ट्रिक करंट से, और इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। जहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। बेसिक क्लासेस आपने करी है, जो 8th क्लास थी आप वहाँ पर देखते थे कि जनरली क्या होता था कि आपने कोई फॉर्म ली, फॉर्म पे आप क्या करते थे, छोटे छोटे पेपर के पीसीस को टच करके देखते थे। जब आप पेपर को टच करके देखते थे तो वो फॉर्म जो है पेपर को नहीं अट्रैक्ट करती थी, लेकिन अगर उसी कॉम को आप हेड पे रब कर लो, ऑयली कर लो, तो वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को उठा लेती है। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो कॉम थी पहले चार्ज नहीं थी, अब वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। तो जब ये छोटे छोटे फिनोमिना जो आपने बेसिक क्लासेस में किए आपके सामने आए, तो चार्ज को हमने फिर डिफाइन किया। हमने ये कहा कि चार्ज जो है दो तरीके का है, ये चीज़ डिसाइड हुई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने चार्ज को दो टाइप का बताया हमारे पास, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, चार्ज दो तरीके का है। पॉजिटिव को आपने बोला कि वो प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव पे आपने बोला कि वो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब यहाँ हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसका फ्लो है, चार्ज का फ्लो है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो चार्ज प्रोटॉन की बात हो रही है या फिर उस चार्ज में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब भी चार्ज के फ्लो की बात करते हैं, तो हमेशा फ्लो किसका कंसिडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का कंसिडर किया जाता है। उसके पीछे रीज़न है, आप कहोगे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो प्रोटॉन को क्यों नहीं ले रहे, क्यों इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है हमारा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स 1837 गुना इलेक्ट्रॉन से भारी है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है फॉर एग्जांपल, तो प्रोटॉन कितने किलो का होगा, 1837 किलो का होगा, ठीक है। अब आपने कहा कि चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो। फ्लो का मीनिंग होता है पोजीशन चेंज करना, एक चीज पहले यहाँ थी अब वो कहीं और चली गई, इसको आप क्या बोलते हो, फ्लो बोलते हो। तो 1 किलो की चीज़ को उठा के कहीं रखना आसान है या 1837 किलो की चीज़ को उठा के रखना आसान है, तो आंसर आएगा किसको उठा के रखना आसान है, 1 kg की चीज़ को, और 1 kg कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब भी चार्ज के फ्लो की बात होती है हम हमेशा किसका फ्लो लेते हैं,
इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत हल्का है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने में हमें कम एनर्जी लगती है, कम वर्क करना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो ये है हमारे पास दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज को जो मेज़र किया जाता है, जिस चीज़ में हम चार्ज को मेज़र करते हैं, जैसे आप मास को किलोग्राम में मेज़र करते हो, ऐसे ही जो चार्ज की यूनिट है वो है आपके पास कूलम। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, ये यूनिट है जिसमें चार्ज को मेज़र किया जाता है। वैल्यू भी है, जैसे कूलम को डिनोट करते हैं हम सी के साथ, तो वैल्यू जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा वो भी हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। अब देख लो ध्यान से, चार्ज दोनों पर सेम है, सिर्फ साइन अलग है, लेकिन मास में बहुत डिफरेंस है। प्रोटॉन बहुत ज़्यादा हैवियर है किससे, इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज दोनों पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, चार्ज का फ्लो है। उस चार्ज में दो चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ज़्यादा माना जाता है इलेक्ट्रॉन को क्योंकि वो बहुत हल्का है प्रोटॉन से, इजिली फ्लो हो जाता है। चार्ज कितना होगा किसी बॉडी पे उसको मेजर करते हैं कूलम से, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, प्रोटॉन पे चार्ज इतना है। तो जो वर्ड है हमारे पास ये करंट, फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग है चार्ज और फ्लो। तो जो डेफिनेशन बन के आएगी इलेक्ट्रिक करंट की वो होगी हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर कंडक्टर। अब जब बात आई गई है कंडक्टर हमने लिख ही दिया, तो ये चीज भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के केस में हम चीजों को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक वो चीजें जिनमें से करंट इजिली फ्लो हो जाता है, जिन्हें आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है, जिन्हें आप कंडक्टर बोलते हो, द मटेरियल इन विच करंट कैन इजिली फ्लो, और दूसरी है इंसुलेटर, जिनमें से करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया है, कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो जाए, तो वो तो किस में से होगा, कंडक्टर में होगा। आप यहाँ पर कंडक्टर की जगह वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि वायर भी क्या है, इस तरीके का कंडक्टर है। तो डेफिनेशन तो हमने लिख ली, तो फॉर्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई के साथ, आई से हम इसको सिंबलाइज करते हैं, किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन में टी। सिंबल आपने याद रखने हैं, देखो चार्ज को क्यू से डिफाइन किया जाता है, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग भी आपको बता दिया जाएगा कि आपने कैपिटल क्यू क्यू लिखना है और स्मॉल क्यू क्यू लिखना है। कैपिटल क्यू तो टोटल चार्ज को दिखाता है, और स्मॉल क्यू जो है वो एक चार्ज को दिखा सकता है, थोड़े चार्ज को दिखा सकता है। अगर हम ये कहें कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तब आपको कैपिटल क्यू से जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई सिंपल बोल दें कि इस बॉडी पे इतना चार्ज है, तो आप उसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो। ये भी डिफरेंस अभी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे इसका। तो रेट ऑफ फ्लो, जिसके भी आगे ये वर्ड लग जाता है रेट ऑफ फ्लो, तो इसका मीनिंग होता है उसके डिवाइड में क्या आने वाला है, टाइम। रेट का मीनिंग ही टाइम है। तो आई डिनोट करता है करंट को, क्यू डिनोट करता है चार्ज को, टी डिनोट करता है टाइम को। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के। ये फॉर्मूला तो बताता है इलेक्ट्रिक करंट को।
अब हमें और क्या जानना है इसके बारे में, और ये जानना है कि इनकी यूनिट्स क्या है, चार्ज। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलाम में, हमने अभी लिखा। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो फिर करंट को किस में मेजर करेंगे? करंट को मेजर करने की भी हमारे पास यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है फॉर करंट, उसका नाम है हमारे पास एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं उसको, एम्पियर। ये आपको याद रखना है, चार्ज को मेजर करते हैं कूलाम में, करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, और टाइम को मेजर किया जाता है हमारे पास सेकंड में। तो अगर कोई आपसे यूनिट डिफाइन करना पूछ ले कि यूनिट कैसे डिफाइन होगी, कभी भी आपसे कोई चीज पूछे कि यूनिट को डिफाइन करो, एम्पियर को डिफाइन करो, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपने भी फॉर्मूला किया, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में T। ये फॉर्मूला आपने करंट का किया। इन तीनों की जगह इनकी यूनिट्स रख देते हैं हम। देखिए, I की यूनिट है एम्पियर, चार्ज की यूनिट है हमारे पास, चार्ज की यूनिट हमने रख दी कूलाम, टाइम की यूनिट हमने रख दी सेकंड। तीनों की यूनिट रख दी उनकी जगह पे, करंट की जगह हमने एम्पियर रख दिया, चार्ज की जगह कूलाम और टाइम की जगह सेकंड। आपको ये कह सकते हैं एग्जाम में कि 1 एम्पियर डिफाइन करो, एम्पियर की वैल्यू 1 कब होगी, जब कूलाम भी क्या होगा 1 और जब टाइम भी क्या होगा 1 सेकंड, तभी तो एम्पियर भी क्या होगा 1 होगा। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, देन 1 एम्पियर इज Defined as when 1 coulomb charge flows in 1 second। अगर 1 second में 1 coulomb charge flow करता है तो उसका meaning है current कितना है आपके पास, 1 ampere है। ये definition है, exam में इस chapter में पूछी जाती है। आगे जितनी भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे सबकी पूछी जाएगी आपसे कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जो चीजें हम आपसे करने वाले थे डिस्कस, वो है ये, पहले इसको डिस्कस कर ही लेते हैं कि आपने कैपिटल क्यों क्यों लिखा, स्मॉल क्यों क्यों नहीं लिखा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए क्या है इस टॉपिक का जो नाम होगा जिसमें हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो बड़ा सा वर्ड हमने पहले लिखा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है क्वांटिटी पता लगाना, चार्ज की क्वांटिटी का पता लगाना कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको लड्डू दे दे खाने को और आपको एकदम से, आपने देखा घर में कोई नहीं है, आपने उठा के जितनी जेबें थी सब में लड्डू भर लिए, और कोई आपसे आके अब ये कहे कि चेक करो कि इसकी जेब में कितने लड्डू है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ लड्डू। कि क्या पता किया जा रहा है, लड्डू की क्वांटिटी पता की जा रही है। तो फिर कैसे पता करेंगे, इस जेब में 4, इसमें 4, ऊपर 2, तो टोटल काउंट किया जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पर है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज की क्वांटिटी का पता लगाना है तो हमें ये पता लगाना है कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि अभी हमने बात की ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही चीजें हो सकती हैं चार्ज में। अगर एक बॉडी ये है हमारे पास और इसके ऊपर मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 लड्डू इसकी जेब में मिले हैं, और आपसे पूछा गया चार्ज की क्वांटिटी बताओ टोटल, कैसे पता करोगे चार्ज कितना हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन हुए 5, तो लेकिन आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे गए, आपसे तो ये पूछा गया टोटल चार्ज। पर आपको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तो पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी आपने लिखा था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, तो जो टोटल चार्ज होता है वो होता है क्यू, किसके इक्वल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है गुना में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाओ, हो सकता है यहाँ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम ऐसे साइन लगा देते हैं प्लस माइनस, कि साइन दोनों में, जब दोनों साइन एक साथ आ जाए तो इसका मीनिंग होता है कोई भी साइन आ सकता है जरूरत पड़ने पर। तो फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, कि
किसी भी बॉडी का चार्ज लगाना हो, कितना चार्ज आपसे पूछा गया हो, तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। टोटल काउंट कर लो, 10 है, 20 है, 30 है। अगर 30 है तो n की वैल्यू हो गई 30। e आपको पता ही है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, 30 से उसकी मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दो चीजें हमने पढ़ी, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये रहा आपके पास चार्ज का फ्लो। दो तरीके का चार्ज, एक प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत लाइटर है, यही फ्लो करता है। इसके बेस पे हमने करंट की डेफिनेशन दी, यूनिट लिखी, करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलम्ब, उसकी डेफिनेशन हमने की 1 एम्पियर की। फिर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर को भी हमने डिस्कस किया है इसमें। इसके अलावा जो चीज़ पूछी जाती है वो ये कि आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि करंट को मेजर किस में किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो डिवाइस है हमारे पास, वो आपको याद रखना है, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। जो डिवाइस करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है एमीटर, और सिंबल होता है सर्कल में ए। ऐसे दो वायर निकाल दोगे, ये प्लस और ये माइनस, ये इसका सिंबल है। जैसे चीज़ों को मेजर करते हैं, मास मेजर करना होता है, आप तराजू लेके आते हो, ऐसे ही अगर हमें कहीं पे करंट मेजर करना है तो वहाँ पर हमें ये डिवाइस लगाना पड़ेगा एमीटर, जिसका सिंबल ये है। ये आपको ये बता देता है कि कितना जो है करंट आ रहा है। इसके एग्जांपल आपने देखे भी होंगे, घरों में कई मशीनें ऐसी होती हैं जहां पर करंट या फिर वोल्टेज बताई जाती है, मीटर लगा हुआ होता है। जैसे आपके समरसीबल का जो डब्बा अगर आपने देखा हो, वहां पर भी आपको मीटर दिखाई देगा जिसमें एक सुई चलती है। इसी तरीके से एमीटर भी होता है जो आपको करंट बता देता है कि करंट जो है वो कितना है। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज फ्लो तो हो रहा है, फ्लो होके क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, लेकिन चार्ज फ्लो हो कैसे रहा है। अपने आप तो कोई चीज़ अगर कहीं पे रख दे तो वो उठ के अपने आप दूसरी जगह नहीं जा सकती, तो चार्ज को भी अगर मैंने कहीं पे रख दिया तो चार्ज उठ के खुद नहीं जा सकता। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो चार्ज को क्या करा रही है, फ्लो करा रही है। वो क्या होगा वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। आज की जो वीडियो थी वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन थी, और साथ में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा है।